a very good afternoon all of you. Today we are starting with lesson 5th, Indians' gift to the world, how yoga heals. I hope you people are studying well for your examination. Is this chapter coming in exams? Okay, so we start with the chapter. It has become common knowledge that yoga is good for you. Currently, yoga is being used as a therapy for cancer, infertility, lung disease, multiple sclerosis, Parkinson's disease, insomnia, high blood pressure and joint pain. Yet there is very little awareness and understanding on exactly how yoga heals, even in the yoga and medical communities. The key is to understand the relationship between stress, yoga and disease. तो अभी हमें इन दिनों में है ना, मतलब 90s तक ज़्यादा लोगों को योगा के बारे में पता नहीं था. शायद 2005 के बाद में, या बाबा रामदेव जी जब से ज़्यादा उन्होंने थोड़ा सा प्रमोशन हुआ, उन तब से हमें योगा के बारे में थोड़ा ज़्यादा नॉलेज होना स्टार्ट हुआ है. और अब धीरे धीरे हमें यह भी पता चल रहा है कि योगा जो है बहुत ही जो होते हैं ना डेथ कॉजिंग डिजीजेज, फॉर एग्जांपल कैंसर वगैरह, उनके अंदर भी जो प्रॉपर हीलिंग है वो योगा से हो रही है. तो मतलब कितनी सारी बीमारियां बता दी हैं इन्होंने कि कैंसर, इनफर्टिलिटी, लंग डिजीजेज, ये सब जो चीज़ें हैं ये कौन हील कर सकता है? योगा. लेकिन अभी तक भी वो कह रहे हैं किसी को ये समझ में नहीं आया कि योगा काम कैसे करते, कैसे जो योगा है वो बीमारियों को दूर कर रहा है. दैट्स स्टिल क्वेश्चन. सो तो अब वो कह रहे हैं कि ये समझने के लिए हमें रिलेशनशिप समझना पड़ेगा. किस किस चीज़ के अंदर जो हमें रिलेशनशिप को समझना है, स्ट्रेस क्या है, योगा क्या है और डिजीज़ क्या होता है. सो दिस से मेडिकल रिसर्च एस्टिमेट्स दैट एज मच एज 90% ऑफ इलनेस एंड डिजीज इज स्ट्रेस रिलेटेड. तो ये हम सबको पता है कि जो भी बीमारियाँ हो रही है आज के टाइम में, किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, वो ज़्यादातर क्या है? स्ट्रेस. हम ज़्यादा टेंशन लेते हैं और हम उतने ही ज़्यादा बीमार हो जाते हैं. स्ट्रेस हम नहीं झेल पाते हैं. अ फ्यू आर मैनी डिजीजेज एंड कंडीशंस दैट हैव टू बी लिंक्ड टू एन ओवर एक्टिव स्ट्रेस रिस्पॉन्स इंक्लूड कार्डियोवेस्कुलर डिजीज, डिप्रेशन, एंग्जाइटी एंड सम टाइप्स ऑफ डायबिटीज मेलिटस ऑल्सो. और कुछ जो वो बीमारियाँ हैं जिन जो सिर्फ स्ट्रेस की वजह से हो रही है, एक तो जैसे हार्ट की अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है, कार्डियोवेस्कुलर, तो वो ऑब्वियसली स्ट्रेस की वजह से हो रही है. किसी को एंग्जाइटी हो रही है, कोई डिप्रेशन में चल रहा है. और कुछ तरह की जो डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ तो हेरिडिटरी भी होती है, कुछ तरह की जो डायबिटीज़ है वो जब हम ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर होते हैं तब होता है. कई बार होता है ना, हम बहुत स्ट्रेस में होते हैं, हमारा बहुत मीठा खाने की इच्छा होती है, कोई स्ट्रेस में होता है, तो ये कहीं ना कहीं डायबिटीज़ का लक्षण है. तो जो बीमारियाँ हैं, मेन जड़ क्या है? स्ट्रेस. वॉट वी फील इज स्ट्रेस इज द प्रोडक्ट ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स एंड ऑलमोस्ट इंस्टेनियस सर्ज इन हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट, ब्लड प्रेशर, स्वेटिंग, शेलो ब्रीदिंग एंड मेटाबोलिज्म कंबाइंड विद टेंसिंग ऑफ मसल्स इंटरनली. द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स शट्स डाउन डाइजेशन एंड एलिमिनेशन एंड रिड्यूसेज ब्लड फ्लो टू द इंटरनल ऑर्गन्स. द फॉर शॉर्ट टर्म दिस स्ट्रेस रिएक्शन इज अ गुड थिंग. द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स प्रिपेयर्स अस टू रिस्पॉन्ड टू एनी एनवायरमेंटल थ्रेट by fighting against it or fleeing from it. But long-term continuous exposure to stress is harmful, placing excess wear and tear on the body systems and severely limiting the body's natural maintenance and healing abilities. वो कह रहे हैं कि जब भी हमको कोई प्रॉब्लम हम फेस करते हैं, जब भी हमको कोई बीमारी होती है, हमको दो चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, फाइट और फ्लाइट. या तो हम उससे लड़ने के लिए तैयार रहें और हमको पता है कि जो परिस्थिति है वो हमारे नियंत्रण में नहीं है, अब हम उसका कुछ भी नहीं कर सकते, जन भाग जाओ, फ्लाइट, या तो फाइट करो या फ्लाइट करो, या तो उसका सामना करो डटकर या उसको छोड़ दो ऊपर वाले के भरोसे, जो होगा देखा जाएगा. लेकिन हम ना तो उसका सामना करने के लिए तैयार हैं, ना ही उस टॉपिक को छोड़ने के लिए तैयार, बस हम सोचते रहते हैं ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया. तो उससे क्या होगा? उससे जो हमारी बॉडी है, ना तो हमें भूख लगेगी, हमारी डाइजेशन ख़राब हो जाएगी, और जैसे डाइजेशन ख़राब होगा हमारा पूरा जो बॉडी का सिस्टम है वो ख़राब हो जाएगा और हमें अनगिनत जो बीमारियाँ हैं वो लग जाएंगी. तो हमें जो सबसे पहली जो बात ये बता रहे हैं वो है फाइट और फ्लाइट. या तो उसे डटकर सामना करो, लड़ने की हिम्मत रखो, या भाग जाओ, छोड़ दो उसको, लीव इट असाइड. क्रॉनिक स्ट्रेस कैन लीड टू कंटिन्यूसली हाई लेवल्स ऑफ कॉर्टिसोल. दिस हार्मोन एट नॉर्मल लेवल हेल्प्स टू मेंटेन एन एक्टिव हेल्दी बॉडी इंक्लूडिंग रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड ब्लड प्रेशर. बट एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ कॉर्टिसोल कैन सप्रेस द इम्यून सिस्टम एंड कॉज स्लीप डिस्टर्बेंसेज and loss of appetite. High levels of cortisol can also increase your heart rate, blood pressure and your cholesterol and triglyceride levels.
risk factors for both heart attacks and strokes. The byproducts of cortisol acts as sedatives, which can lead to changes in mood, especially to the feelings of depression. जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं ना, क्रॉनिक स्ट्रेस के अंदर, एक्यूट स्ट्रेस के अंदर जब हम रहते हैं, तो एक हमारे अंदर बॉडी के अंदर एक ऑटोमेटिकली एक हार्मोन बनता है, कॉर्टिसोल. ठीक है, कॉर्टिसोल जब एक नॉर्मल अमाउंट के अंदर है, जितना उसको होना चाहिए, जब वो उस लिमिटेड अमाउंट के अंदर है, तो इट इज़ गुड. उसकी वजह से हमें एक्टिवनेस मिलती है, हमारी बॉडी एक्टिव रहती है, अपना दिनचर्या हम अच्छे से करते हैं. लेकिन अगर हमारे अंदर एंग्जाइटी होती है, वो बढ़ जाता है जब कॉर्टिसोल, तो क्या होता है, हमारी भूख जो है वो ख़त्म हो जाती है, हमें प्रॉपरली नींद नहीं आती है. ठीक है, और अगर ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है, तो उससे जो क्या होता है, हमारी हार्ट रेट बढ़ती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, और वो एक सिडेटिव की तरह, सिडेटिव्स क्या होता है, जैसे नशे वाली बीमारी होती है ना, वैसे उसकी तरह से, तो हमारा जो मूड स्विंग होता रहता है, हम क्या होता है, हम चाहते हैं कि हम किसी पर गुस्सा ना करें, लेकिन ज़बरदस्ती गुस्सा आ जाता है. तो दैट इज़ वी आर नॉट अंडर अवर कंट्रोल. सो दैट इज़ वाई, बिकॉज वी आर अंडर टेंशन, अंडर डिप्रेशन, अंडर प्रेशर, बिकॉज वी आर नाइदर रेडी टू फाइट विद इट, नो वी आर रेडी टू लीव दैट टॉपिक. Fortunately, the body has a natural counterbalance to the fight or flight response called as parasympathetic nervous system or the relaxation response. The parasympathetic nervous system becomes activated when the threat or stressor has passed or ended, but it can be consciously activated by deepening the breath and by releasing the skeletal muscles. अब वो कह रहे हैं, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर एक सबसे अच्छी बात है कि हमारे अंदर ऑटोमेटिकली एक डॉक्टर हमारे अंदर है, जो अपने आप को, हम अपने आप को हील कर देते हैं, हम अपने आप को काउंटर बैलेंस कहीं ना कहीं कर लेते हैं. एक रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स है जो अपने आप ही एक्टिवेट हो जाता है जब हम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर होते हैं. और हम उसको कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, हमें ना बहुत ज़्यादा टेंशन होता है, हम एकदम से लंबी सांस लेके या कुछ ऐसा अपनी मसल्स को कंट्रोल में करके हम उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, उसको जगा सकते हैं. They say when activated, the parasympathetic nervous system lowers blood pressure, heart rate and respiration, the pace of breath, that digestion and elimination are allowed to be stimulated and blood is free to travel to the digestive, reproductive, glandular and immune systems. Necessary for promotion of long-term health, the relaxation response is also known as the rest and renew stage, when the body has time and resources to heal the body and to respond to illness. Obviously, by increasing the frequency, time and depth of the relaxation response, we not only allow the body to recover from illness and disease, but we also practice preventive medicine by allowing the body to perform all the essential maintenance tasks. ठीक है, अब हमको क्या करना होता है, रिलैक्स करो और फिर रिस्पॉन्स करो, है ना. पहले रिलैक्स, तो हमारी बॉडी तैयार हो जाती है ना, हम भी कोई भी चीज़ होती है, मान लो हम बहुत देर अगर मशीन चलाते हैं, तो हम थोड़ी देर उसको बंद कर देते हैं, क्योंकि वो गर्म होकर वो ख़राब हो जाती है. तो जो रिलैक्सेशन जो टेक्निक होती है, वो हमारी बॉडी को क्या करती है, एक नई एनर्जी देती है, और हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं. योगा एम्फेसिस ऑन लॉन्ग डीप ब्रीदिंग एंड कॉन्शियस रिलैक्सेशन एक्टिवेट्स द पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम एंड प्रमोट्स इट्स रेस्ट एंड रिन्यू फंक्शंस. इन फैक्ट अ रीसेंट स्टडी हैज शोन दैट योगा टू डिक्रीज द लेवल ऑफ स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल इन द ब्लड. द मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस ऑफ योगा हेल्प टू रिड्यूस द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द माइंड टू द स्ट्रेसर्स and to lessen the intensity of fight or flight response. Yoga also teaches us to see potential stressors and challenges rather than threats, enabling one to avoid the stress response entirely. तब इन्होंने अभी हमको समझाया कि बीमारी क्यों होती है, क्या वजह होती है, और हम उसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं, रेस्ट एंड रिन्यू करके. अब ये बता रहे हैं योगा का कहाँ योगदान आ गया. तो योगा के अंदर हम क्या करते हैं, हम टेकिंग लॉन्ग ब्रेथ्स इज़ अ पार्ट ऑफ योगा, मेडिटेशन करते हैं हम, पर्टिकुलरली अपने मसल्स के ऊपर फोकस करते हैं, तो उससे क्या हो रही है, उससे जो हमारी बॉडी है उसको वो रिलैक्स कर जाती है, और रिलैक्स करने के बाद में जब एक बॉडी उसको एक नई ऊर्जा मिलती है, नई सुफुर्ती मिलती है, एंड इट इज़ रेडी टू वर्क बैक अगेन. सो दिस इज़ जो है, ये जो पूरा अवॉइड कर लेते हैं जितना भी स्ट्रेस हमारे अंदर होता है, उस सबको एकदम गायब कर देता है योगा. बिकॉज हमारी जो हर एक मसल को है वो, क्योंकि योगा से, मेडिटेशन से, हम उस हर चीज़ को रिलैक्स कर देते हैं. नॉट ओनली डज योगाज अबिलिटी टू एक्टिवेट द पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम रिड्यूस स्ट्रेस एंड अलाउ बॉडी टू हील इटसेल्फ, बट द प्रैक्टिस ऑफ योगा ऑल्सो इम्प्रूव द बॉडीज इनहेरेंट हीलिंग अबिलिटीज. अब हमारे अंदर हीलिंग अबिलिटीज तो है ही ना, खुद हम ठीक हो सकते हैं, तो योगा जो उस चीज़ को और ज़्यादा इम्प्रोवाइज कर जाता है, इम्प्रूव कर देता है. द इंटरवर्टिंग ट्विस्टिंग एंड कॉम्प्रेसिंग दैट अकर्स इन योगा पॉस्चर्स एनहांस द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स.
हम जब योगा करते हैं तो कभी बॉडी को इधर मोड़ते हैं उधर मोड़ते हैं, बहुत से ऐसे पॉस्चर्स होते हैं, तो उनसे क्या होता है हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो अच्छा होता है. दिस इंक्रीज इन सर्कुलेशन नॉट ओनली इम्प्रूव्स द बॉडीज एबिलिटी टू डिलीवर द मटीरियल्स नीडेड टू अलाउ हीलिंग टू टेक प्लेस बट ऑल्सो एक्टिवेट्स द लिम्फेटिक सिस्टम टू मेंटेन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम एंड इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स. उससे क्या होता है जब हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो हमारी हर बॉडी के हर एक पार्ट के अंदर जो भी चीज़ उसको नेसेसिटी है सारी चीज़ें वहाँ तक पहुँचेंगी, तो उससे हमें बहुत सारी जो हमारी फंक्शन इम्यून सिस्टम है बहुत अच्छे से काम करेगा. योगा पॉस्चर्स ऑल्सो इम्प्रूव मसल स्ट्रेंथ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रेंज ऑफ मोशन ऑल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हीलिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ मस्कुलोस्केलेटल डिजीजेस सच एज आर्थराइटिस एंड ऑस्टियोपोरोसिस. तो ये जो हड्डियों से रिलेटेड जो डिजीज़ होता है आर्थराइटिस वगैरह ये भी हम योगा से जो है इनको भी बहुत फ़र्क पड़ता है बिकॉज हमारी जो हड्डियाँ हम बार बार वो जो मूवमेंट्स होती हैं वो इतनी कारगर होती हैं योगा की. योगाज एम्फेसिस ऑन डीप ब्रीदिंग कंबाइंड विथ बैक बेंड्स इम्प्रूव्स लंग कैपेसिटी एंड फंक्शनिंग. प्रैक्टिसिंग योगा ऑल्सो इनकरेजेस वन टू लीड अ हेल्दियर लाइफ स्टाइल थ्रू डेवलपिंग अ सेल्फ अवेयरनेस एंड डिसिप्लिन रिक्वायर्ड फॉर पॉजिटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन. ठीक है, अब योगा के अंदर हम क्या करते हैं हम लंबी सांस लेते हैं गहरी सांस लेते हैं फिर हमको कभी हम बैक को बेंड करते हैं तो उससे क्या हो रही है हमारी जो लंग की इनहेलेशन कैपेसिटी है वो बढ़ती है. ठीक है, तो हम जो एक बहुत अच्छी एक हेल्दी लाइफ स्टाइल हम जी सकते हैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस करते हैं प्रॉपरली योगा करके. व्हाइल योगा प्रोवाइड सच स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू द बॉडीज हीलिंग मैकेनिज्म्स इट इज़ इंपॉर्टेंट टू व्यू योगा एज एन एडजंक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी एंड नॉट रिलाइड अपॉन द ओनली थेरेपी फॉर हीलिंग डिजीज. अब वो कह रहे हैं योगा बहुत अच्छी है लेकिन हमको इसको हमेशा साथ में रखें, यानी कि हमको बहुत बड़ी बीमारी हो गई एंड वी जस्ट वेट हम योगा कर रहे हैं कि विल हील. नो, वी नीड अदर थेरेपीज ऑल्सो बट योगा विल ऑलवेज हेल्प ऑफकोर्स. सो दिस इज एन आर्टिकल बाय टिमोथी बर्गेन. Now we read about the lesson. What they want to say is Timothy Bergen is the founder and executive of yogabasics.com, a certified and well-known yoga instructor, acupuncturist, designer and writer. He received yoga teaching training and created an online resource guide for yoga students and people in general as well as for the whole world. He continues with his objective of teaching yoga, pranayam and meditation with devotion to render selfless service to the world at large. How yoga heals highlights the immense benefits of practicing yoga with its different postures, asanas, breathing techniques, pranayama and meditation exercise dhyana. Yoga is presented as an effective and versatile way of healthy lifestyle to release the stress and to cure a number of severe health problems. Yoga employs an extensive holistic approach that concentrates on peace, bliss, good health, harmony and all-round fitness. Timothy Bergen condemns the scientific role of Indian yoga by creating a link between yoga, stress and disease. The American yoga expert here describes an ancient Indian way of healthy lifestyle based on yoga system and acknowledges it as a precious gift to the rest of the world in the modern unhealthy environment. So this, I hope you have understood the chapter aur saath saath mein humko yoga ki jo ahmiyat hai wo bhi samajh mein aa gayi. Daily we have to just spare a few minutes early in the morning, practice yoga and we can have a very healthy lifestyle. So all of you have a good day.